नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पुरानी कोतवाली से दलाल घाट जाने वाले मार्ग पर रोड नहीं वोट नहीं का बैनर लगाया गया है। कारण ये है कि पिछले कई साल से पुरानी कोतवाली से दलाल घाट का मार्ग पूरी तरह से जर्जर है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। कई बार इसे बनाने की मांग की गई, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया है। इससे क्षुब्ध मोहल्ले के लोगों ने सीधे मतदान ना करने का फैसला लेते हुए बैनर लगा दिया है। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां प्रत्याशी वोट मांगने पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मतदाता भी अपनी मांग को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। इसकी वानगी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में देखने को मिल रहा है। नगर पालिका आजमगढ़ में कुल 25 वार्ड है, जिसमें आसिफगंज वार्ड नंबर 21 भी शामिल है, जिसमें पुरानी कोतवाली से दलाल घाट की तरफ जाने वाला मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो गया है। यहाँ के लोगों ने रोड की समस्या से आजिज होकर मतदान न करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी लगाया। ऐसे में यहाँ प्रत्याशी जाने बचाते भी नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि हमें जब तक रोड नहीं मिलेगा तब तक हम अपना वोट किसी को नहीं देंगे। सात आठ साल से समझ लीजिए कि रोड खराब है, और यहाँ आने जाने डेली समझ लीजिए एक्सीडेंट, और माननीय सांसद जी द्वारा पूरे शहर में सड़कें बन गई हैं, लेकिन अभी तक इस रोड का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। इसके पहले आप लोग को शायद याद होगा कि एक बार गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जब थे, उस समय रोड पूरी खराब थी, तो उस समय विरोध हुआ था कि स्वर्गीय श्री गिरीश चंद मार्ग। उसके बाद विरोध के बाद ये रोड जो है तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई हुई, तुरंत बना हाथ लगा। हम चाह रहे हैं कि भाई ठीक है रोड बन जाए, बस यही हम लोग का वो है, नहीं तो फिर न रोड न वोट वोट नहीं दिया जाएगा, पूरे मोहल्लेवासी कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, भाजपा के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो लगातार अभी तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो इस रोड पे आएं कन्विंसिंग के लिए, फिर उनको बाद हम लोग उनसे मिला जाएगा। किस तरीके से मिलेंगे वो हमारी जिम्मेदारी, हम मिलेंगे उनसे। आप सड़क की स्थिति देख ही रहे हैं कितने गड्ढा है। मैंने कई बार अपने सभासद महोदय से कहा, अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष आ गया लेकिन वो नहीं मिले, डीएम साहब को पत्र दिया गया लेकिन उस पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन हो कि हमें विरोध का करना पड़ा। यदि रोड नहीं बनेगी तो हम लोग कोई वोट देने नहीं जाएंगे। देखिए, अच्छा सांसद जी का बयान भी आया था कि पूरा शहर जो है वो गड्ढा मुक्त हो चुका है, ऐसे में बीच शहर में आप लोगों का इस तरीके से विरोध और सामने नगर निकाय चुनाव। हाँ, सांसद महोदय भी इस रोड से गए, हम लोग रोक के उनको कहा गया, उन्होंने कहा है कि आप जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ जो आपके सामने स्पष्ट रूप से है। अच्छा, सामने चुनाव है, अगर सड़क नहीं बनती है तो आपका कदम क्या होगा? हाँ नहीं, हमारा वोट हम वोट कोई मोहल्ले कोई मोहल्ले वाले वोट पोलिंग करने नहीं जाएंगे। इस रोड पे जब भी टूटा है रोड, बिना विरोध किए कभी रोड नहीं बना है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम रोड तो बने। आना जाना सब इस पे लगा हुआ है सबका, पर कभी कोई गिर जाता, कोई गिर जाता इस पे।